राजधानी देहरादून से खबर है जहां बार बार चेतावनी के बाद भी काम में सुधार नहीं दिखने पर नगर निगम ने आखिरकार ईईएसएल से शहर की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत व रखरखाव का काम छीन लिया। नगर आयुक्त ने शनिवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। ईईएसएल कंपनी 2017 से शहर की 1,00,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का काम देख रही थी। 2017 के बाद नगर निगम ने कंपनी के साथ दूसरी बार 2020 में करार किया। इस करार के तहत कंपनी ने नगर निगम क्षेत्र में 1,02,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई। इन्हीं लाइटों की मरम्मत और रखरखाव का काम भी कंपनी को ही देखना था। स्ट्रीट लाइटें खराब होती रहीं और इनकी मरम्मत के लिए निवर्तमान पार्षदों के हंगामे प्रदर्शन नगर निगम में होते रहे। बढ़ती शिकायतों पर नगर निगम प्रशासन ने कंपनी को कई बार चेतावनी दी। आखिरी में 25 सितंबर की शाम कंपनी के राज्य प्रमुख के साथ नगर निगम ने बैठक कर पूरे मामले को रखा। उसके बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्रवाई के पत्र जारी कर दिए। हालांकि नगर निगम ने गत 8 अगस्त से स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का काम अस्थायी तौर पर संभाल लिया था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम का टेंडर ऑलरेडी रेडी है, आरएफपी रेडी है। जब तक आरएफपी हमारा प्लेस में नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तब तक हमने 35 टीमें ऑलरेडी रेडी कर ली हैं। उसका लॉन्च भी अभी हमारा 1-2 दिन में प्रस्तावित है और उनके अलग अलग डेडिकेटेड व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो नए लाइट्स और नए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने का मैंडेट था वो उसी थर्ड एजेंसी का था, तो वो अभी हमने फिलहाल उनके पास बरकरार रखा है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस निगम के पास ले ली है, लेकिन बैकअप में निगम अपना भी रेट कॉन्ट्रैक्ट करना जा रहा है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स एंड लाइट, ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की बाधा या फिर डेफिशिएंसी या रोड ब्लॉक ना आए। तो अगर हमारी टीम्स बनी है तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको साथ समय लाइट्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सकें। वी शुडंट बी सीन एज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थर्ड एजेंसी।